I really think recycling is a very versatile part of our lives, or you know, it's very fun to ride a cycle around the town or around anywhere around the villages. So hi everyone, mera naam hai Takam Natung aur main Kimin se belong karta hu. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई चैनल. दिस इज़ नथिंग स्पेस और आप सबका स्वागत है फिर से एक नया वीडियो में. बहुत लोग एकदम नया सब्सक्राइबर्स है इस बार, आप सबका स्वागत है. और मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं, पर मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं अच्छा हिंदी में बात करूँ और या फिर अच्छा इंग्लिश में ना. सो एनीवे, फिलहाल अभी मैं हूँ किमिन में, यू कैन सी हियर. और यहाँ से मैं अभी सीधा जाऊँगा जीरो. इससे there are two ways to reach Jiro. One is from the capital of Arunachal Pradesh, that is Itanagar, all the way through Potin to Jiro, and another route is from Kimin to Jiro again via Potin. I love Jiro. Humko Jiro jana bahut hi pasand hai. Mere dil mein ek ye rehta hai ki humko har saal Jiro visit karna hai. Jiro mein humko jana hai aur जीरो का हवा खा के आना है, जीरो में तरह घूम के आना है. बहुत लोग आप लोग जानता होगा जीरो का हमें, और जीरो इज फेमस फॉर जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, राइट? जीरो इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. जीरो ही एक अलग ही लेवल में है. जीरो इज समथिंग डिफरेंट. ये एक नॉर्मल सा बिगिनर गियर साइकिल है. दिस आर द गियर्स. और इसके बाद यहाँ पे है मेरा ये टेंट, थ्री सीटर टेंट है, जो कि थोड़ा सा भारी है थ्री सीटर होने की वजह से. इस पर भी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इसी को ले जा रहा हूँ. और उसके बाद मेरे पास है ये स्लीपिंग बैग, जो कि यहाँ पे लिखा होगा 10 डिग्री सेल्सियस. तो एनीवे, ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधे चलते हैं जीरो की ओर विद दिस साइकिल. सो गाइस, वी आर हियर. हम लोग जा रहे हैं यहाँ से किमिन में ही है अभी फिलहाल. तो मेरे पीछे आप देख रहे हो, तो बहुत ही सुंदर सुबह है, बहुत ही अच्छा दिन है. एक भैया हमको रास्ते में मिला है, आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ. राज भैया, टाटा गुड मॉर्निंग. तब तार पले जाबो. और वो था राजेश भैया, जो कि बहुत एल्डर है किमिन का. किमिन मेरा बस्ती ही है. और ये एक आप देख सकते हैं, एक सुमो है याजाली टू नॉर्थ लखीमपुर जाने का. तो ये है पुलिस स्टेशन किमिन. तो दोस्तों, हम लोग किमिन का चेक गेट से बाहर निकल चुके हैं अभी. याजाली तो यहाँ से बहुत दूर है, जीरो हमारा डेस्टिनेशन होगा. और उसके बीच में बहुत ही सुंदर सुंदर जगह आपको मिलेगा देखने को, मतलब मुझे भी मिलेगा और आपको भी, दोनों हम दोनों को. यहाँ से एक्चुअली जीरो आई थिंक 204 किलोमीटर है. और ये एक न्यूली ओपन पेट्रोल पंप है किमिन का. और टोटल किमिन में अभी दो पेट्रोल पंप है. गुड मॉर्निंग अंकल. Hi.
क्या है आपका नाम? नम तम क्या तम नरंग तम कितना क्लास है होगा ताता इस जगह को वैसे कोमासाकी कहते हैं चार किलोमीटर की मीन चार किलोमीटर आगे यहाँ के बैप्टिस्ट चर्च ठीक है हम भी सुबह 6 बजे 6:30 को निकला था अभी तो एक घंटा यार तक पहुँचने में लगा पता नहीं निकलने ना कितना टाइम लगे हुआ मैं ना घर में हम कहीं जा रहा होगा ऑल द बेस्ट ना हाँ ठीक है जैसे भी जाओ जिंदा वापस आएगा चिंता मत करो जैसे भी आओ ना यहाँ से जाकर ऐसा करके वहाँ से आ रहे हैं वो ऊपर से मतलब सीधा जंगल के अंदर से आ रहा है पानी तो बिल्कुल साफ है लगता है अभी फिर मेरा साइकिल का वजन और थोड़ा और भारी हो जाएगा क्योंकि ये पानी की वजह से बट इट्स ओके खाने मन लग गया सुअर को देख के बहुत थक गया दोस्तों और एक चेक इसे 2 घंटे में 10 किलोमीटर पहुंचा 1 घंटा में 5 किलोमीटर पहुंचा था किमिन से तो 2 घंटा हो गया 10 किलोमीटर पहुंच गया ये तो बहुत ही मतलब हिसाब के साथ चल रहा है जैसा लग रहा है बहुत आप लोगों को वहाँ का एक व्यू दिखाता हूँ मैं सामने से वो वहाँ पे एक धुआँ उतरा है वहाँ पर ना तो दिखने में अच्छा लग रहा है शायद वो एक ग्रिप कैंप है मुझे लग रहा है इस कैमरे में इतना अच्छे से दिखाई नहीं देगा कि वो ये कैमरा का व्यू जो है बहुत ही वाइड है तो दूसरा कैमरा से ट्राई करता हूँ आपको दिखाने के लिए वाओ देख रहे हो कितना अच्छे हैं जाते जाते हम पहुंचा था वीकेवी शहर अभी मैं हूँ ठीक वीकेवी शहर के पास इस जगह का नाम है शहर यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है वैसे बहुत ही कम पॉपुलेशन है कुछ घर है एक दो दुकान है और तो ये है वीकेवी शहर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा ये है वीकेवी शहर विवेकानंद केंद्र विद्यालय शेर ना जो अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट बीकेवी स्कूल यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था बीकेवी शेर को थोड़ा दो पार करने के बाद कुछ
दूर में ही एक या दो किलोमीटर के बाद हवा कैंप पहुंचा है। हवा कैंप एक बहुत ही फेमस जगह है ऑलरेडी। हवा कैंप बहुत ही एक सुंदर जगह है और एक अच्छा लैंडस्केप है हवा कैंप भी। तो पिकनिक स्पॉट के लिए जाना जाता है बहुत ही दूर दूर से, आसाम से, हमारे कैपिटल एरिया से बहुत सारा लोग पिकनिक के लिए हवा कैंप को एक अच्छा डेस्टिनेशन बनाया है। और इस अनदर बैप्टिस्ट चर्च यू सी बिहाइंड मी, चेयर बैप्टिस्ट चर्च। जब हवा कैंप पहुंचा तो वहाँ पर हमको सबसे पहले एक दोस्त मिला था, एक कॉलेज का दोस्त है। हेलो, कैसे कैसे? हम ऐसे वीडियो भी बना रहा था। मत बना रहे हैं। क्या कर रहा है? क्या बैठता है ना तुम? क्या बैठता है ना? काम है कर। उस तरफ वो ऊपर में वो बिल्डिंग जो नहीं, वो ऊपर में ना बढ़िया होगा रे वहाँ से व्यू। हम तो ऐसे घूमने जा रहे हैं, होटल से रहा है। हम लोग वीडियो भी आने मत दो, कुछ नहीं ना तो फेमस हो जाएगा। नो नो, मेरा कॉलेज का दोस्त है, देहरादून में पढ़ाई करता था हम लोग, उत्तरांचल कॉलेज में। हाँ, हम एग्रीकल्चर करता था वहाँ पर, किया था मतलब बी एस सी एग्रीकल्चर। डिग्री तो मिल गया पर हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आंटी क्या है समोसा? हवा के ऊपर डेवलप हो रहे थे, बिल्डिंग विल्डिंग बन गए, यहाँ में एक नया पेट्रोल पंप भी है। तो हम लोग अभी यहाँ पे हवा के में एक छोटा सा होटल है यहाँ पे रुका हुआ है। बहुत भूख लग रहा है हमको, इसलिए तो कुछ खा लेगा। सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आया था। मेरे पास पैसा भी लिमिटेड था, 1000 समथिंग, 1200 रुपया ऐसे मेरा पॉकेट में आई थिंक हम ले गया था मैसे लगा है। अंकल हम थोड़ा पोतिन तरफ जा रहे हैं, जीरो जाएगा ऐसे साइकिल से। हाँ, आप क्या ड्यूटी में है क्या? हाँ, रात नहीं होगा, रात होने से कहीं में सोएगा? ये भी लेना टेंट, कहीं में आराम से सो सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सुबह जा सकते हैं। कंबल भी है सोने। ये मेरा अंकल है, यहाँ पे हवा के में रहता है, यहाँ पे काम भी करता है, रोड बना रहे हैं ना। हाँ, सो ये लोग सब यहाँ पे रोड बना रहे हैं। पल हवा के में बहुत ही सुंदर जगह है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एकदम सीधा लाइन है, और इस तरफ भी आप लोग देख सकते हैं सीधा ऊपर तक, वो ऊपर चलेगा हम लोग। दे आर मेकिंग रोड्स यू सी, दिस आर बी आर ओ। अंकल ये लोग पूरा रोड बना रहे हैं, अच्छा रोड बनाना। प्राइमरी स्कूल हवा कैंप। अंकल कार बना रहे ना? एक बहुत ही बड़ा सा जूक। This place is called Seven Camp, by the way. Mountains here. Whoa.
आपका नाम क्या है? राजन। ये कौन सा जगह था? ये लीची कुएं। ये लीची है ना? हाँ ठीक, हम लोग लीची पहुँच गया। सो यहाँ से अभी पोटिन कितना दूर है? पोटिन ये 40 किलोमीटर तो होगा। यहाँ से 40 किलोमीटर? वाह, नहीं 40 से कम होगा क्या? कम भी हो सकते हैं। आप लोग क्या आदिवासी? क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन है। कौन सा चर्च जाते हैं? बप्तिस्ट चर्च। अच्छा अच्छा, बप्तिस्म ले लिया। वाह बहुत सुंदर है लीची तो। वो ब्रिज से कहाँ से कहाँ जाता था ना? वो ऐसे एक बस्ती जाते, जंगल बस्ती तरफ। बुंच बुनते है क्या? बुंच उठते होगा। आपने क्या? हम लोग गए। दूर है क्या? बहुत दूर है, 21 किलोमीटर से होगा। आप लोग ये सब स्कूल जाते हैं क्या? कौन सा स्कूल? ये सेंट क्लेर। सेंट क्लेरेट कहाँ में? यहाँ पर है। आपका नाम क्या है? आकाश। आकाश आनंद। आनंद आपका? अरुण। अरुण अरुण नाथ। अभी कहाँ जा रहा है? जंगल। डबल लेके होगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ टाटा। We have reached लीची पहुंच चुके हैं हम। अभी फिलहाल हम लीची में ही है, एंटर कर चुके हैं लीची। ये देखें, दिस इज लीची। और ये बहुत ही सुंदर एक ब्रिज है। यहाँ पे मैं जाना चाहूँगा थोड़ा सा रुक के, यहाँ मैं रुक जाता हूँ, उसके बाद ये ब्रिज में थोड़ा नज़ारा देखते हैं। सुंदर है दे। It's so beautiful, man. We have here two beautiful girls. अरे हाँ, इतना सुंदर लड़की दो तू यहाँ में। आप दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम आरंग है। मेरा नाम आरंग है। मेरा नाम अन्य है। आप दोनों कहाँ से आ रहे हैं? किचन। किचन 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 जगह का, जगह का नाम है? हाँ, ये बस्ती असली। बुंच बुनते कितना दूर है? बहुत दूर है। तो आप लोग बुंच बुनते गया था? हम लोग पहुंच बैठे हैं, हम लोग खेती किया। आपका टाइटल क्या है? टाइटल मेरा लिखा इसका तादर। तादर? तादर क्या था? तादर आरंग। आरंग। और आपका? लिखा मनिया। और लिखा मनिया। अच्छा अच्छा अच्छा, होगा ताता। आप साइकिल से आए? और मेरा नाम नहीं पूछेगा आप? आपका नाम क्या है? मेरा नाम तकन मतुम। पत्थर क्या करेगा आप लोग? देखा तो देखेगा। अरे ना के तू खेलेगा उस आपस? क्या करेगा इसको? इसको खेलेगा। खेलेगा? खाना खाया? हाँ खाया। हमको भी बहुत भूख लग रहा है, हम भी नहीं खाया। So hungry। क्या था आपका नाम? क्या था मेरा नाम? तकन ना तुम पॉकेट में नहीं पकड़े ना अभी। क्या करेगा तू पैसा तो? हम कुछ भी नहीं करेगा। क्या नहीं खाया? खाना क्यों नहीं खाया?
कैसा फोटो खींचते हैं ना, देखिएगा आपको खुद को दिखाई नहीं दे रहे का कुछ बोलो तो नहीं कुछ नहीं। आप क्या कर रहे हैं, कितना क्लास है आप लोग? हम यू के जी, हम क्लास 1। आप लोग कौन सेंट क्लेयर में जाते हैं? हां सेंट क्लेयर। अंकल आपका बैग में नहीं है? और यहां में सुना देखेगा आप लोग पर क्या खाएगा उससे पैसे से? हम तो खाएगा, हम भी खाएगा। क्या खाएगा? चिप्स। हां कैमरा मजा है, कैमरा बहुत मजा है। कैसे देखेगा तो हम कैसे किसे नहीं हम प्रसाद देगा। हाँ मेरे पास कितना पे, कितना रुपये क्या कहते हैं, 10 रुपये हमको दो, 10 रुपये हमको चाहिए। तो इसको ऐसे करो आप दोनों 5-5 रुपये खाओ। हाँ आप इसको नहीं, इसको दुकान में जाके 5 रुपये का चिप्स, 5 रुपये का चिप्स ऐसे खाओ। सुने दुकान में नहीं होते, नहीं होते तब तो 10 रुपये का जो भी सामान लेगा उसको दोनों मिलके खाओ। हाँ होगा, कोई भी ज्यादा नहीं खाएगा, दोनों सेम खाएगा। हाँ नहीं दोनों साथ में खाना है। आप अभी जाएगा? हाँ हम थोड़ा घूम के जाएगा। आप लोग साइकिल को मत नहीं छूना है, साइकिल गिर जाएगा, वो गिर जाता है। नहीं चुना ही नहीं, सामने से चला जाना है। आपको कैसे करो ऐसे? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेरा नाम तादर अरन। मेरा नाम लिखा मनिया। ठीक है आप लोग जाओ अभी। ये नदी को साइकिल को नहीं छूना यार, साइकिल को नहीं छूने, गिरेगा, साइकिल गिर जाता है, छूने से गिर जाएगा, ऐसे जोर से मत छू। हाँ 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 चला क्या है? तो हम हिंगू ब्रिज के नीचे में ही उतर के अभी थोड़ा तो आराम कर रहा था, और आराम करते करते वहाँ पर सो भी गया। आई थिंक 1 घंटा जैसे तो सोया होगा वहाँ पर। सोया है, अच्छा लग रहा है अभी, और पानी भी बहुत बढ़िया ठंडा है। गाइस अभी लगभग 4 बज चुका है और शाम हो गया, धूप ढलने ही वाला है, आप देख सकते हैं। शायद आज 14 नहीं पहुंचेगा क्या, हमको ऐसे लग रहा है। और यहाँ पे कहीं सोना पड़ेगा, सब चर्च से आ रहे लग रहे। आप लोग चर्च से आ रहे क्या? चर्च में क्या प्रोग्राम है आज?
चर्च का कुछ प्रोग्राम हो रहा है वहीं पे ये लोग सब जा रहे हैं। सोचा नहीं था ये लीची बस्ती में भी इतना सारा बिलीवर्स होगा। अच्छा है, अच्छा बात है। बहुत बहुत ही दूर है ना, 20 किलोमीटर है ना, 18 ना। हम तो सामने होगा सोचा था, बहुत दूर है तो पूरा आप है क्या यहाँ से? तो हाँ यहाँ से पूरा आप है। ठीक है, आप यहाँ का ही है? हाँ यहाँ का लोकल है। ओके भैया, यहाँ में कहीं होटल होते ले क्या? हाँ ये आगे में। थैंक यू। ओके क्या करनी है? भैया मैं होटल ले गया कहीं में? हाँ ये ना। ओ ठीक, क्या क्या मिलेगा खाने के लिए? खाने के लिए तो खाना मिलेगा। खाना? खाना खाना कितना लेते हैं? खाना हाँ, मछली खाने से 150 और अंडा खाने से 130 दाम है। भाई एक केक दे दीजिए ना और एक मेरी गोल्ड बिस्कुट। चाय मंगाया, बहुत चाय पीने का मन हो रहा था। बहुत अच्छा है। दिस इज आवर स्टेट एनिमल मिथुन। अलवे 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 Hello, hello. This is our state animal. His name is Mithun. So, a quick update. I have not reached 14 yet. It's taking much time than I expected. And I think it's gonna be dark before I reach there. So, I think I have to make the tent and sleep somewhere. I feel like I have to do that, but I don't know if I walk continuously, maybe I will reach there before it's too dark. But it's gonna be dark, that's for sure. It's gonna be dark. And yeah, fir main yahan par bhi tent bana sakta hu iske upar. Bahut hi sundar jagah hai ye bhi, बिल्कुल भी। व्हाट डू यू थिंक गाइस, हमको जाना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए? आई थिंक अभी तक रात हुआ नहीं, मैं रुक तो सकता हूँ पर लेट्स चलो इसके ऊपर थोड़ा सा चढ़ के देखते हैं। सो गाइस हम यहीं पर टेंट लगाएगा आज, आज सुबह निकलेगा बिकॉज इट्स टू डार्क नाउ। और यहाँ से नीचे जाने से फिर दूसरा अच्छा स्पॉट नहीं मिलेगा। ये बहुत सुंदर स्पॉट है, ये पीछे साइड सनसेट है और इस साइड जो मेरा पीछे अभी होगा इस पीछे, ये पीछे साइड में कल सुबह सनराइज देखने को मिलेगा। सो इट्स गोना बी रियली ब्यूटीफुल आई थिंक दैट। टेंट बनाते हुए दिखाने के लिए मेरे पास लाइट का कमी है, इसलिए मैं सीधा टेंट बनाने के बाद ही या फिर कल सुबह आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ आई थिंक आज का ब्लॉग यहीं पे रखते हैं, फिर कल दूसरा पार्ट, इस ब्लॉग का दूसरा पार्ट बनेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह का वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए। तो अभी तक मैं 0 पहुँचा नहीं हूँ, अभी 14 ही पहुँच रहा हूँ। 14 भी पहुँचने में थोड़ा टाइम लग गया, अभी तक पहुँचा नहीं। कल सुबह 14 पहुँचूँगा, उसके बाद फिर वहाँ से 0 के लिए रवाना होऊंगा। सो हैव ए गुड नाइट आप सबको, और हम भी बढ़िया से सोएगा आज, पूरा बदन थक गया, अच्छा से रेस्ट करके कल सुबह फिर से जर्नी को शुरू करते हैं ना। ओके गुड नाइट, टाटा फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। दिस इज नाटुंग स्पेस, थैंक यू।